नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में अब ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत भी कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया को काट दिया है, ये सही नहीं है। इंडिया तो हमारे संविधान में भी है। ऐसा लगता है कि इंडिया जो गठबंधन बना है उन्होंने इसलिए नाम बदला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है। लोकतंत्र की एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे कुछ नहीं करना चाहिए। अभिषेक को हर तरीके से परेशान किया जाता है, जैसे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, मुझे ये गलत लगा। पॉलिटिकल वेंडेटा, आई विल, ये हमारा रिक्वेस्ट है। देखो, पॉलिटिकली आपका साथ हमारा डिफरेंस होगा। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट होता है, कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट नहीं होता है। ये तो लोकतंत्र में होता ही है, लेकिन लोकतंत्र का एक सीमा होता है। वो सीमा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जो बाद में इसका दूसरी रूप हो सकता है। आज एक गवर्नमेंट पावर में है, इसी के लिए आप अगर ऐसे करें तो कल और एक गवर्नमेंट पावर में आएगा, वो भी सेम चीज करेगा। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं समझती हूँ। हमने उसको किसी को नहीं किया, मेरे के पास कितना इन्फॉर्मेशन है। मैं सीपीएम का चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर को जितना दिन 34 साल वो लोगों ने रहा, हम एक भी टच नहीं किया, एक भी टच नहीं किया कि ये हमारा डेमोक्रेटिक को कर्सी होता है। और अभिषेक को हर तरह डिस्टर्ब करते हैं, उसको कभी लोअर कोर्ट में जाने पड़ता है, कभी अपर कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है जस्टिस के लिए। अननेसेसरीली हैरेसिंग, नो एविडेंस, नथिंग। क्या नहीं किया उसका खिलाफ में, बहुत सारे किया, लेकिन तब भी ये उसको करेंगे कि उसको पता है द यंग जेनरेशन दे कैनॉट टॉलरेट, दे वॉन्ट टू डिस्टर्ब द यंग जेनरेशन। वो हमारा युवा राजनीति को, युवा पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करने चाहते हैं। देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत तो हम लोग भी हिंदी में बंगला में भारत कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके पहले इसको बता दिया, पहले इसमें मोहर लगा दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। और भारत तो हम भी कहते हैं, हमारा तो कोई एतराज नहीं है भारत के बारे में, लेकिन इंडिया काटने का कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारा पासपोर्ट में भी लिखा है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसके ऊपर देश चलता है, उसमें भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक वर्ड चेंज करने से क्या है, क्यों करेगा? जो है अब कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई भारत बोलता है हिंदी में, हमारा बांग्ला में भी तो पॉलिटिक्स में। वीके सिंह के पीओके वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पीओके को अपना हिस्सा माना है। जब पूर्व सेना प्रमुख अपने पद पर थे तब उनको अपने कार्यकाल में इसे लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, अब कैसे ले सकते हैं? इससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए, मणिपुर तक चीन घुस गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ली है। अरुणाचल का हिस्सा चीन के नक्शे में दिखाया गया है, पहले यह अपने कब्जे में लीजिए। देखा है, एक सपना देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है, अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है,
ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओ के हिंदुस्तान में आ जाएगा, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। स्वागत है, हमने हमेशा ये देखा है, एक सपना देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक आर्मी चीफ जब वही। यूपी में एक बार फिर लंपी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायबरेली से है, जहां अब तक 180 मामले सामने आ चुके हैं। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया है। जिला प्रशासन का दावा है कि उनकी गौशालाओं में 100% टीकाकरण हो चुका है। जिन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज हुई है, उनमें से भी लगभग आधे से ज्यादा जानवर स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने बताया कि प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, अभी पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज फैल रही है, तो उसके लिए हमारे जिले में भी हमने पर्याप्त तैयारी कर रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्विलांस के लिए टीम बनाई हुई है, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग के लोग हैं, विकास विभाग के लोग हैं, पंचायत से लोग हैं, नगर पालिका, राजस्व सबके लोग हैं, पुलिस से संबंधित लोग हैं, तो वो सब इसमें नियमानुसार और नियमित रूप से वो लोग जो है इसमें सर्विलांस कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई इस प्रकार का केस मिलता है तो उसको तत्काल, उसमें पैनिक ना किया जाए, उसमें उनको आइसोलेट किया जाए। आइसोलेशन के लिए भी हमारे पास जो है स्थल हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। अगर निजी पशुपालकों के भी पशु को ये बीमारी से संक्रमण होता है तो उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि आइसोलेट करें। बाकी हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन भी उपलब्ध हैं और वैक्सीनेशन हमारा निरंतर चल भी रहा है। अभी तक हमारे जनपद में कुछ 280 के आसपास केस इसमें निकले थे। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि मोर्टिलिटी बहुत कम है, मतलब मृत्यु दर का जो रेट। वहीं रेवाड़ी के गांव संगवानी में एक दंपति के बीच चल रहे आपसी विवाद के बीच महिला के चचेरे भाई ने उसके ससुर की गोली मारकर उसे घायल कर दिया। गोली चलने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। गांव घायल को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश नाम का शख्स रात को घर के बाहर सोया हुआ था। सुबह करीब 3 बजे एक युवक ने उसके पास आकर पैर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ। किन लोगों ने गोली मारी, क्यों मारी, उनने गोली मारी। क्या नाम था उनका? सुकन। कारण क्या रहा गोली मारने? आपसे झगड़ा हो गया बालका को। अच्छा, को बदली बहू से उत्तर राख से कौन सी नोट कितने लाख के दर नोट और गोली बर्बाद और मानने का बाप ने तीन लोग मिलकर। नाम क्या क्या है? राधेश्याम, कृष्णा, सरस्वती। किन लोगों ने गोली मारी, क्यों मारी? सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान बाजरे की उपज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। उन्हें उनका दाम नहीं मिला, ऐसे में आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी गुट की ओर से रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि 15 सितंबर तक MSP पर बाजरे की खरीद नहीं हुई तो अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम इस किसान यूनियन के माध्यम से हम अपनी मांगे जिला उपायुक्त को हम सौंपने आए हैं कि हमारी जो फसल आगंतुक समय के अनुसार अब के 15 दिन पहले आ चुकी है और सरकार हमारी इस चीज़ को चेतनी है कि किसान की मजबूरी है कि फसल निकालते हुए उसको हम मंडी में अपना देना पड़ता है। सरकार की प्रक्रिया हमेशा लेट चलती है कि जो हमें अपनी मजबूरन अपनी फसल को अभी ये कह रहे हैं 1 तारीख से करेंगे शुरू, नहीं तब तक तो किसान की वो हो चुकी है ना फसल, कितना बाजरा आ चुका है मार्केट में। किसान तो अगली फसल करना है, उसको तेल पानी उनको खर्चे के लिए इस फसल को करना है तो वो तो देना उसकी मजबूरी है। तब बताइए किसान कहाँ जाए, मजबूरी वो तो फसल अपनी समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा तो आए आने पाने दाव पे उसको अपनी फसल पे बेचना पड़ रहा है तो इसमें किसान का हानन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम कहना चाहते हैं सरकार को अवगत कराने कि बड़े हम 1 तारीख को या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 15 तारीख तक आपका
और 16 तारीख में फिर हमारे किसान यूनियन इस संगठन हम सरकार को हम रोष प्रकट करेंगे। तो हम इसी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार हमारी मांग को बिल्कुल सम्मानित साथियों आप देखते हो हर 15वें दिन हम ज्ञापन लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। सरकार पता नहीं क्यों अधर्मिता पे उतरी हुई है, हमेशा इसने थूक के चाटा है, अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रहते। जब खट्टर साहब अपने मुंह से कह गए कि 2500 बिकवाओगे तो बिकवाते क्यों नहीं, क्यों किसानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये कोई जायज मांग रहे, अपने को नाजायज नहीं मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे। जो सम्मानित साथियों आप देखते हो हर 15वें दिन हम ज्ञापन लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। सरकार पता नहीं क्यों अधर्मिता पे उतरी हुई है, हमेशा इसने थूक के चाटा है, अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रहते। जब खट्टर साहब अपने मुंह से कह गए कि 2500 बिकवाओगे तो बिकवाते क्यों नहीं, क्यों किसानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये कोई जायज मांग रहे, अपने को नाजायज नहीं मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे। जो सम्मानित साथियों आप देखते हो हर 15वें दिन हम ज्ञापन लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। सरकार पता नहीं क्यों अधर्मिता पे उतरी हुई है, हमेशा इसने थूक के चाटा है, अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रहते। जब खट्टर साहब अपने मुंह से कह गए कि 2500 बिकवाओगे तो बिकवाते क्यों नहीं, क्यों किसानों के साथ? आज हमारी जो रोष प्रदर्शन है ये है तो भारतीय किसान यूनियन का पूरा हरियाणा में, लेकिन विशेष तौर पे जो दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है उसके बारे में आज हमारा रोष प्रदर्शन है। हम डीसी साहब को आखिरी चेतावनी देके जाएंगे, इस सरकार को आखिरी चेतावनी देंगे कि बाजरा खरीद लो, आपका MSP भी आपकी, रेट भी आपका, फिर ये मक्कारी क्यों? अरे बाजरा किसानों का खराब हो रहा है, 1700-1600 में होने पड़े दाम बिच रहा है। हम 15 तारीख तक सरकार को चेतावनी देते हैं, 16 तारीख को मंडी के इस गेट के ऊपर जो सरकार ने करना है वो सरकार कर ले और यूनियन ने करना है यूनियन कर ले। हम मर जाएंगे, बाजरा 2500 बिकवाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की भाषा है। वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित 4 सितारा होटल हावर्ड पार्क प्लाजा के तीसरे फ्लोर से गिरकर MR की मौत हो गई है। वो पत्नी के साथ कमरे में ठहरा हुआ था, कंपनी की मीटिंग के बाद देर रात तक पार्टी चली जिसके बाद वो कमरे में गया। पत्नी ने बताया कि बालकनी में पति सिगरेट पीने के लिए गए थे, इसके बाद क्या हुआ जानकारी नहीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह थाना ताजगंज से सूचना प्राप्त हुई कि हावर प्लाजा होटल में एक फार्मा कंपनी की जो पार्टी आई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फिर न्यूज की टीम को बुलाया गया तो और CCTV कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं और बॉडी जो है वो मॉर्चरी में रखी हुई है। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई सुबह थाना ताजगंज से सूचना प्राप्त हुई कि हावर प्लाजा होटल में एक फार्मा कंपनी की जो पार्टी आई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फिर न्यूज की टीम को बुलाया गया तो और CCTV कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं और बॉडी जो है वो मॉर्चरी में रखी हुई है। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई सुबह थाना ताजगंज से सूचना प्राप्त हुई कि हावर प्लाजा होटल में एक फार्मा कंपनी की जो पार्टी आई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फिर न्यूज की टीम को बुलाया गया तो और CCTV कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं और बॉडी जो है वो मॉर्चरी में रखी हुई है। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई सुबह थाना ताजगंज से सूचना प्राप्त हुई कि हावर प्लाजा होटल में एक फार्मा कंपनी की जो पार्टी आई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके वहीं फिरोजाबाद में एक और महिला अवैध अस्पताल की वजह से मौत के मुंह में चली गई। इलाज के अभाव में RBS पुष्पा देवी हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई तब तक नहीं करता जब तक कोई घटना नहीं घट जाती। वहीं महिला की मौत पर अब स्वास्थ्य विभाग ने चुप्पी साध रखी है। RBS पुष्पा देवी हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज मिली थी कि यहाँ पे कल रात को किसी प्रसूता की डेथ हुई थी तो उसको यहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया और फिर उसको उसके पास कार्रवाई की। नहीं, कार्रवाई करने की गुंजाइश को देख जो भी चीजें हैं इसको अस्पताल को सील किया गया है और उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। RBS पुष्पा देवी हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज मिली थी कि यहाँ पे कल रात को किसी प्रसूता की डेथ हुई थी।
वहीं रायबरेली में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मामला उचाहर थाना क्षेत्र के धमधमा गांव का है, जहां पर रीतु नाम की महिला घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी जमीन पर पड़े हुए तार को हटाने के लिए जैसे उसने छुआ उसमें करंट संचालित हो रहा था। करंट की चपेट में आने से वो झुलस गई। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुरादाबाद में बारिश के दौरान मकान गिरने के मामले में हादसे की जानकारी आला अधिकारी को न देना थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। थाना मुगलपुरा के पीछे लाकड़ी वालान इलाके में 2 मंजिला मकान गिर गया था, लेकिन थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने घटना की जानकारी मांगी और SSP हेमराज मीणा ने लापरवाही बरतने के मामले में थाना प्रभारी मुगलपुरा का बिलारी ट्रांसफर कर दिया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 41 गुलाब वाटिका के सभासद अंकुश जैन और स्थानीय लोगों ने लोनी पालिका में जल भराव और साफ सफाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जब पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि समय समय पर वार्ड नंबर 41 और अन्य कॉलोनियों के वार्डों की निरीक्षण करते हैं और समय समय पर उनकी समस्या का निवारण भी किया जाता है। हमारा पूरा मामला है, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं हम लोग। हमारा रोड पूरा लेके लोनी डिपो से और अपना द्रोणिका सिटी तक, इस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से कभी भी हादसे हो जाते हैं। पानी की कोई निकासी नहीं है। हम अंदर अधिकारियों से कई बार मिले, पर्सनली मिलकर उन लोगों को बोला कि जी यहाँ की व्यवस्था ऐसी करी जाए कि पानी की निकासी हो, सड़कों का सुधार हो। हम वार्ड नंबर 41 के मेंबर हैं और भी कॉलोनी के आसपास के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कोई अधिकारी किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। हमारे JE जो हैं मनोज, हमारे JE मनोज कुमार हैं, मैंने उनसे भी कई बार संपर्क किया, उन्हें मैंने बताया कि जी हमारे वार्ड के अंदर पानी की फिटिंग नहीं है, जबकि अपनी नगर पालिका जल बोर्ड का टैक्स हम लोगों से ले रही है। मेरी जो मेन समस्या है वो जल आपूर्ति, सफाई का विषय और एक हमारे यहाँ पानी की टंकी की फिटिंग भी 10-12 साल पहले हो चुकी, आज तक वो पानी ये किसी भी घर में एक बूंद तक नहीं पहुंचान पाए। जब भी हम इनके पास आते हैं आश्वासन दिया जाता है कि आपके यहाँ टंकी की फिटिंग सुचारू रूप से ठीक कर दी जाएगी। हमारे JE साहब को मैं बार बार कह चुका, आप पुलिया कहते हैं कि आपके यहाँ पुलिया टूटी हुई है, मैंने 20-25 पुलिया टूटी हुई है उनके बारे में इनको 20 बार लिख कर दे चुका। जब पुलिया का कोई आप नाप नहीं लोगे, आपको पता नहीं होगा कौन सी पुलिया टूटी हुई है, तो आप ठीक क्या करोगे? ऑफिस में बैठ के तो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये सरकारी काम है, इसमें पहले प्रस्ताव भी जाता होगा, प्रस्ताव पास भी करते होंगे, उसका फंड भी अरेंज करते होंगे जब वो पुलिया बनेगी। आज तक इन्होंने उस पुलिया पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। और पानी की निकासी के लिए मेरी कॉलोनी का वार्ड का पानी जो है वो नहर में जाता है, और नहर में जाने के लिए सारे पाइप टोटल 90% ब्लॉक हो चुके, टूट चुके। उनके बारे में भी मैंने इनको बताया कि वह हमारे पानी की जो निकासी है वो भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। अच्छा, नगर पालिका में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है धरना? उद्देश्य ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मेरी सरकार को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं अधिकारी यहाँ के लोग। वार्ड 41 यहाँ तक बात, हम वार्ड 41 में कई बार भ्रमण भी कर चुका हूँ, वहाँ पर हमारे 18 कर्मचारी भी लगे हुए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था मैंने अपने यहाँ परख किया है, थोड़े कर्मचारी की कमी अभी पड़ रही क्योंकि हमारा टेंडर पूरा नहीं हो पाया है। अब टेंडर की फाइल मैडम को, चेयरमैन मैडम के पास गई है, जैसे आती फिर टेंडर हो जाएगा। कर्मचारी जो मानक अनुसार बढ़ा दिए जाएंगे, और वहाँ पर हमारे ट्रैक्टर तब तक जाते हैं जब तक वहाँ कूड़ा नहीं उठ जाता है, और हमारा एक टिपर जो डोर कलेक्शन भी करता है। सर, उनका आरोप भी है कि उनके वार्ड में सही तरीके से सफाई नहीं की जाती, कूड़ा करकट जगह जगह फैला रहता है, कर्मचारी समय पर नहीं पहुँचते। हमारे SI साहब और हमारे जो एक कंपनी है उसके भी कर्मचारी लगातार उस पर, जो उनके सुपरवाइजर भी लगातार उस पर अपना निगाह रखते हैं, प्रयास करते हैं। शिकायत आती, शिकायत का हम भी त्वरित रूप से जाके वहाँ पे औचक निरीक्षण भी किए हैं और हिदायत भी देते रहते हैं। कोई इस तरह की पूरे वहीं की नहीं, पूरे शहर में कहते हैं कूड़ा उठान जो है ससमय हो जाए, जैसे नाली से निकले या झाड़ू लग जाए ससमय उठा के डंपिंग साइट भेज दिया जाए। सर, साफ
सभासद का एक और आरोप है कि वो नगर पालिका को अब तक 252 लेटर दे चुके हैं और फिर भी अधिकारी वार्ता नहीं कर रहे हैं। हमने तो कई बार उनके वार्ड में जाकर निरीक्षण किया, उनके कई डिमांड है जिसके भी हमने भी कुछ कार्यदेश दिए हैं और उनके जो हैं कुछ के DPR भी शायद हमारे जेई साहब बना रहे हैं। एक उनका शमशान घाट का भी था, शमशान स्थल का भी था, उसका भी जो जीर्णोद्धार का था शायद बना हुआ है, वो हम वहाँ तक गए नहीं थे भी, और उसके जीर्णोद्धार के लिए जो है जेई साहब DPR तैयार कर रहे हैं। जैसे भी DPR बन जाए शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगातार ये बात होती रहती है कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया, जमीन हथियाई। उपराज्यपाल किस आधार पर कह रहे हैं ये हमारे समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबर आती है। आजकल तो सैटेलाइट पर सब कुछ दिखता है। गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पर छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पे कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सेटेलाइट से सब कुछ दिखता है भाई। गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पर छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पर कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सेटेलाइट से सब कुछ दिखता है भाई। गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पर छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।